आज आपके जीवन में समस्या ही समस्या है। आप कोई भी काम कर लीजिए, कोई आपको गली मोहल्ले में टोकने वाला, रिश्तेदार, सभी आपके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जलन और ईर्ष्या के कारण। मान लीजिए कि यहां से दूर रायपुर में कोई लड़का कोई बिजनेस कर रहा हो, उसको प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई भी परेशानी हो, ना तो हमें उससे दुख होता है और ना ही सुख। दुख और सुख जब मनुष्य को प्राप्त होता है, जब मनुष्य उसको पकड़ लेता है, कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से मनुष्य आज के संबंध को मान रहा है, यही संबंध मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। परंतु सभी समस्याओं का समाधान भी आप ही के पास है। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो सबसे पहला सूचक क्या है? आपने एक पायदान पार कर लिया है, आप जीवित हैं। अगर आपके मोहल्ले में चर्चा हो रही है, अगर आपको गालियां पड़ रही हैं, तो यह समझें कि आप अभी जीवित हैं। मरने के बाद तो वह इंसान बहुत अच्छा था, यही कहा जाता है, परंतु आप जीवित हैं। सबसे बड़ा सूचक यह है कि आपकी निंदा हो रही है, आपको गाली दी जा रही है, आपके पीठ पीछे गाली दी जा रही है, तो आप दूसरे पावदान पर पहुंच गए हैं जिससे आपको एक पायदान और उठना चाहिए, और वह है कि आप कोई भी कार्य करें, आपकी निंदा भी होगी, आपकी गाली भी देंगे, आपको परेशान भी करेंगे। समझ लीजिए आप चमक चुके हैं, क्योंकि बिना तराशे हीरा भी नहीं चमकता। जो यह आलोचना है, यह गाली गलौज है, यही तो आपको चमकाती है। परंतु कुछ मनुष्य यह कहते हैं कि हमें क्यों ऐसा कहा जाता है, हमें इनसे समस्या का समाधान। अगर आप बर्तन भी साफ करते हैं तो उसको भी रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में निखार आता है तो गाली गलौज आलोचना यह तो होगी ही होगी। जिसने इस चीज को स्वीकार कर लिया वह अपने प्रथम चरण में आ गया, एक ना एक दिन उसे निखारना ही है। यही कारण है जीवन में हर एक समस्या का समाधान। आप अमीर बनना चाहते हैं परंतु उसी भीड़ में लगे हुए हैं। आज से अगर 20 साल पहले किसी बच्चे से पूछा जाता कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वह कहता डॉक्टर। परंतु अब जमाना बदल चुका है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें भी बहुत कंपटीशन है। परंतु जब आप इस भीड़ से अलग होंगे तो
आपको जीवन में अनेकों रास्ते मिल जाएंगे। जब तक आप भीड़ के साथ भटकते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस प्रकार से जियो, जब जियो फोन आया उन्होंने फ्री डाटा दिया, आपको आदत दिलाई, आज उसी के चार्ज हो रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक चीज के लिए कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि 200 से 250 रुपए के महीने में 45 GB डाटा भी मिलेगा और कंपनी भी प्रॉफिट में होगी। ये बिजनेस माइंड बहुत कम लोगों को ही आता है। दिमाग आपका शार्प हो जाता है। शार्प करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी लाइन अलग कर ले। आप देखेंगे कि अनेकों बिजनेस अभी भी बाकी हैं जो आपको अलग करेंगे, अरबपति खरबपति तक बनाएंगे। जीवन का जब तक लक्ष्य नहीं करोगे तब तक यूं ही भटकते रहोगे। बिना लक्ष्य के आप अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते। जो आपकी सोच है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वह लक्ष्य ही है। लक्ष्य ही आपको आपकी गति देगा, आपके विचारों को गति देगा, आपको धनवान भी बनाएगा।